नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उन लोगों की उम्मीद को कभी टूटने मत देना जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप पर टिकी है। और दुनिया में रहने की दो जगह सबसे प्यारी होती है, या तो किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। और दोस्तों, रिश्तों के चाय में शक्कर जरा माप कर रखना चाहिए, क्योंकि फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। और आग भी क्या अनमोल चीज है, बातों से भी लग जाता है। और जब जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। और दोस्तों, दुआ शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो लोग बोल नहीं पाते और एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते। लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। और दुनिया की सबसे सच्ची चीज है मशवरा, एक से मांगो तो हजार देते हैं। और दुनिया के सबसे महंगी चीज है मदद, हजारों से मांगो तब जाकर कोई एक करता है। और समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं अफसोस कहलाता है। और मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर दोष सब दिखाई देने लगता है, केवल खुद का दोष ही दिखाई नहीं देता। और जमाना बदल गया है, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। और अपने पीरा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। और मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकता है, इसलिए होशियार रहे। बहुत मीठा बोलने वाले लोग सिर्फ हनि नहीं हानि भी दे सकते हैं। और याद रखना कि हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। और जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। और जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी पता कर जाएंगे। और लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। एक भगवान का दर पैसा है, जहाँ पर कभी ताना नहीं मिलता और कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होता है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई उसी बांस की बांसुरी बनाकर बांस में सुर भरता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।